नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से जुड़ी हुई लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट किया है। ट्वीट में लिखा क्या है वो समझ लीजिए। उन्होंने कहा, संगठन सरकार से बड़ा होता है। मात्र एक लाइन का ट्वीट है, लेकिन एक एक शब्द एक एक हजार अर्थों के बराबर। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है ये। ट्वीट की जो कॉपी है वो आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। क्या ट्वीट किया है केशव प्रसाद मौर्य ने, उन्होंने कहा संगठन सरकार से बड़ा होता है। और अब इस एक ट्वीट के बाद कई सारे अर्थ इसके निकाले जा रहे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए या यूं कहें कि अपने विचार साझा करने के लिए विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल सपा से हमारे साथ में प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, मनोज यादव। मनोज जी, क्या सोचते हैं आप? सिर्फ एक लाइन है, एक लाइन में क्या कुछ आपको समझ में आ रहा है और इसको किस तरीके से देखती है सपा? देखिए, ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये जो उन्होंने लिखा है संगठन से, संगठन बड़ा है सरकार नहीं बड़ी है, तो ये बात ना तो समाजवादी पार्टी को कह रहे हैं, ना बसपा को कह रहे हैं, ना कांग्रेस को कह रहे हैं। वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार को इंडिकेट कर रहे हैं कि संगठन बड़ा होता है, सरकार छोटी होती है। तो योगी आदित्यनाथ जी को अंडरस्टूड होना चाहिए। हो सकता है कोई अंदर खाने दोनों लोगों में किसी तरीके की बात हो। और मैं तो एक बात कहूंगा कि अगर संगठन उनके नजरिए से बड़ा, ये मेरा सिर्फ एक ऐसा सुझाव है जिसको वो माने और चाहे ना माने, वो वाला है उनको तत्काल संगठन के बड़े पद पे अपने आप को स्थापित कर लेना चाहिए और सरकार को ये बता देना चाहिए कि देखिए संगठन क्या कर सकता है, सरकार क्या कर सकती है। ये सब अपनी अपनी नाराजगी के तरीके हैं जो नाराजगी व्यक्त की जा रही है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि कोई और बात है। वैसे कि मनोज जी, आप क्या ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर संगठन से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य आरएसएस से है या भाजपा से है? भाजपा, भाजपा। देखिए, आरएसएस तक तो नहीं है ना, आरएसएस तक है ना, आरएसएस से केशव मौर्य जी की बात सुनता है। अगर मैं उसको इस तरह कहूँ कि जो आरएसएस है वो बड़े चुनिंदा लोग हैं जिनकी बात सुनी जाती है, जहाँ कुछ किया जाता है, बाकी बीजेपी तक ये बात है और बीजेपी ही तक वो सीमित भी है। और इनका वो गुडलक था कि हारने के बावजूद मंत्री बना दिए गए, चूंकि पिछड़ों की राजनीति बीजेपी को दिखाना बताना, इसलिए उन्होंने वो सारी चीजें सामने एज ए उप मुख्यमंत्री के रूप में उनको स्थापित किया। लेकिन कहीं ना कहीं अपमानित महसूस कर रहे हैं योगी 1.0 में भी लगातार अपमानित हुए थे और 2 में भी मेरे ख्याल से ये जो मैसेज आया है ये अपमान की ही शुरुआत है। कहीं ना कहीं सरकार और उनके बीच में कोई बड़ी बातें हुई हैं, इस वजह से वो इस तरह की बात। कहीं ऐसा तो नहीं है मनोज जी कि ये अपने आप में सपा के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि भाई देखिए भारतीय जनता पार्टी तो संगठन को सरकार से पहले रखती है, आपको भी रखना चाहिए? नहीं, हमारी पार्टी का संगठन और सरकार वो तो बातें स्पष्ट थी ना, उसमें कौन सा किसी को पूछना था भाई। हमारे संगठन के ही लोग थे, हमारे यहाँ आयातित लोगों की संख्या तो इतनी थी नहीं सरकार में। ज्यादातर लोग जो संगठन में थे, जिनकी जिम्मेदारियां तय थी, जिन्होंने मेहनत की थी, उन जमीन के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया था। ये सारी बातें विदित है और सभी की जानकारी में है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैसे बीजेपी के संगठन और आपसी किसी मैटर पे समाजवादी पार्टी बहुत इंटरेस्ट नहीं रखती। हम सरकार से सवाल पूछने के लिए हैं, उनके संगठन में कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा, कौन क्या करेगा, ये हमारा विषय नहीं है। और ना हम इस पर बहुत ज्यादा फोकस करके राजनीति करने पे पसंदगी अपनी जाहिर करते हैं। लेकिन एक स्पष्ट है कि सरकार बेहतर और स्मूथ, जो जैसा कि उत्तर प्रदेश की जनता चाह रही थी, वैसी कुछ चीजें हैं। मुख्यमंत्री करते हैं, प्रधानमंत्री जी का अलग है, गृह मंत्री जी का अलग है, उप मुख्यमंत्री का अलग है, ये सारी चीजें जो सामने आ रही है ये उत्तर प्रदेश का नुकसान है, जनमानस का नुकसान है। और एक और बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ये मेरी सरकार के लिए भी होगा और इस सरकार के लिए भी है। सरकारें जनता के लिए होती है, जनता के लोक कल्याणकारी कामों के लिए बनती है, सरकारें सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं बनाई जाती। और बीजेपी जब बेशर्मी के साथ इस बात को कहती है कि 365 दिन में 24 घंटे वो सरकार की बात कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों पर मैं थोड़ा सा कम विश्वास रखता हूँ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और जब जब सरकारें चुनाव के लिए बनेंगी तब तब जनता का नुकसान होगा, उस प्रदेश का नुकसान होगा, उस देश का नुकसान होगा।
ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अहम राय साझा करने के लिए। तो मनोज यादव जुड़े, मनोज यादव ने साफ तौर पर अपनी सरकार और मौजूदा सरकार दोनों को ही घेरते हुए कहा साफ तौर पर कि सरकारें जो हैं वो जनता की भलाई के लिए होती हैं, फिर चाहे वो हमारी सरकार हो या फिर सत्ता पक्ष की सरकार हो, दोनों को ही जनता के कल्याण को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर संगठन को सरकार से जब बड़ा बता दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, तो साफ तौर पर उनके दिल में कोई ना कोई खटास, कोई ना कोई दरार जरूर रही होगी जिसको वो उजागर कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के कैंसर संस्थान में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह की पहली पुण्यतिथि पर उनकी 12 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत बीजेपी के कई दिग्गज सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। कार्यकाल एक बहुत सीमित समय का था, लेकिन उस सीमित समय के कार्यकाल के दौरान ही सरकार की धमक क्या होनी चाहिए, या उन्होंने उस समय साबित करके सुशासन के पुख्ता नींव जो डाली थी, वही पुख्ता नींव आज प्रदेश के समग्र विकास का आधार बन रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, मैं मान सकता हूं कि सुशासन की उस नींव को आधार देने में 1991 में सरदेव बाबू जी के नेतृत्व की सरकार के जो कार्य पद्धति थी वह भी कहीं ना कहीं निर्णायक साबित हुई। मैं इस अवसर पर उन्हें प्रदेश शासन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और हमारी सरकार का सौभाग्य है कि हमने बाबूजी के दिवंगत होने पर इस संस्थान का नामकरण सरदेव बाबूजी के ही नाम पर, हम सब जानते हैं प्रदेश का पहला कैंसर इंस्टीट्यूट है जो इस समय 734 बेड्स का है और इसे बढ़ाकर के हम 1200 बेड्स का बनाने की क्षमता रखते हैं। हमें गर्व है, ये राम मंदिर नहीं, ये राष्ट्र मंदिर है, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक का मंदिर है। उसी प्रकार से आज मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं, अगर सामाजिक समरसता के सूत्रधार के रूप में जिनके अंदर आप एक किसान का चेहरा देख सकते हैं, गरीब का चेहरा देख सकते हैं, उसमें पिछड़ों के वंचितों के सबका प्रतीक रूप में अगर देखना हो तो बाबूजी कल्याण सिंह जी को आज भी देख लीजिए, वह उसी रूप में दिखाई देते। बाबूजी की प्रतिमा का अनावरण संपन्न किया जा रहा है। ये प्रतिमा पूरे प्रदेश और देश के लोगों के लिए प्रेरणादायक होगी। श्रद्धेय बाबूजी ने पूरा जीवन एक छोटे से गांव से निकल करके, गरीबी से निकल करके पूरे प्रदेश और देश को एक नई रास्ता दिखाने का काम किया था। जो भी बाबूजी के पास जाता था बाबूजी का होकर रह जाता था। जब भी मैं गया बाबूजी ने अपना स्नेह और आशीर्वाद मुझे प्रदान किया। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश में भगवान प्रभु राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो श्रद्धेय बाबूजी की वजह से बन रहा है। मित्रों, आदरणीय कल्याण सिंह महान नेता, उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व महान था। उनकी रहन सहन और गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, आदिवासी, वनवासी, गिरवासी, ऐसे दलित शोषित वंचितों के प्रति उनका समर्पण जीवन था। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और संघर्ष के बाद मित्रों राज्य के अंदर पहली बार परिश्रम की पराकाष्ठा करते अपने बलबूते सरकार बनाए थे राज्य के अंदर। और उस मंत्रिमंडल के 2 सदस्य जो आदरणीय कल्याण सिंह जी के साथ थे, आज भी आदरणीय योगी जी के साथ वह 2 मंत्रिमंडल में 91 में थे और आज भी हैं। आदरणीय सुरेश खन्ना जी बगल में बैठे हैं और आदरणीय शाही जी उस समय भी मंत्री थे, आज भी आदरणीय योगी जी के कंधों को मजबूत कर रहे हैं, पीछे से खड़े हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पद्मश्री से सम्मानित स्वर्गीय कल्याण सिंह की आज पहली पुण्यतिथि पर उनकी 12 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण हुआ और इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने पहुंचे हुए थे। उन्होंने बताया कि राम मंदिर के महानायक कल्याण सिंह की आज पहली पुण्यतिथि है। उनके शासनकाल में लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे और आज वहीं पर मंदिर बन रहा है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए।
हमारे साथ कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री हैं। सर, आज बाबूजी की पहली पुण्यतिथि है, किस तरीके से इसको देखते हैं? पहले तो मैं बाबू कल्याण सिंह जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें भावभीनी अपने तरफ से, प्रदेश सरकार से, क्षेत्र की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज उनके नाम पर ये कल्याण सिंह जो कैंसर सुपर स्पेशलिटी संस्थान बना, यानी इंस्टीट्यूट बना, पूरे देश में यहाँ से लोगों का इलाज होगा और कैंसर के मरीज ठीक होंगे। मैं समझ रहा हूँ कि बाबूजी जाते जाते भी अपने नाम पे एक कल्याण उनके नाम पर होगा, लोगों का जीवन बचेगा कैंसर से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को इसके लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, इसलिए कि ये जो भी बना है ये मेरी मोहनलालगंज कॉन्स्टिट्यूंसी के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ही ये सुपर स्पेशली कैंसर इंस्टीट्यूट बना, इसके लिए मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। बाबू जी को लेकर के राम भक्त से जुड़े भी हैं, मंदिर से भी जुड़े हैं, जो राम भक्त भी कहा गया है, उनके जो फैसले होते काफ़ी अडिग होते थे, किस तरीके से देख? तो नारा लगता था उस समय, मैं उस समय भारतीय जनता पार्टी में नहीं था, झंडे वाला पार्क में अमीनाबाद में मीटिंग हो रही थी, तो मीटिंग में सुनने जाता था, तो नारा लगता था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं वहीं बनाएंगे। छात्र नेता थे उस समय, तो कुछ ऐसी कोई बात हो तो बताएं उस समय। नहीं, मैं तो उस समय मैं देखा कि ये लोग जो है गए और अपनी बात पे अडिग रहे और अपनी सत्ता को त्याग देने का काम किया राम मंदिर के लिए, जो विवादित ढांचा था जिसकी वजह से पूरे देश में एक आंदोलन हुआ, वो विवादित ढांचा ख़त्म हुआ माननीय कल्याण सिंह जी के नेतृत्व में, और आज वहाँ पर सबकी सहमति से, सर्वसम्मति से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे करके जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी को, लोगों को सुविधाएँ मिल रही हैं, बिजली हो, चाहे घर घर पानी हो, चाहे खेत में पानी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, सारी चीज़ें जिस तरीके से जनहित के लिए काम कर रहे हैं और देश को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने का काम कर रहे हैं, और अभी जल्दी में ही जिस तरह विगत 15 अगस्त में पूरे देश को आज़ादी के अमृत महोत्सव में जिस तरीके से सबको सराबोर कर देने का काम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, तो मैं समझ रहा हूँ ये कैंसर इंस्टीट्यूट इसी तरह लोगों की जान बचाने में भी मददगार साबित होने का काम करेगा। शुक्रिया सर। तो कल्याण सिंह बाबूजी की आज पहली पुण्यतिथि थी और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर कह रहे थे कि बाबूजी उस समय जब मुख्यमंत्री थे तो नारा लगता था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरीके से उनको लोग आज दुनिया भी याद कर रही है। कैमरा आशीष के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं दूसरी तरफ ताज नगरी आगरा में खूंखार होते कुत्तों पर लगाम लगाने के लिए नगर निगम ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम अब चरणबद्ध तरीके से कुत्तों की नसबंदी के लिए एनजीओ को निर्देशित करता नजर आया। जनता टीवी ने खूंखार होते कुत्तों और उनके लोगों को जान लेने की खबरों को प्रसारित किया था। फिलहाल भारतीय रेलवे और जिला अस्पताल ने भी नगर निगम पर ही इस पूरे प्रकरण का ठीकरा फोड़ा है। यूपी सरकार का दावा है कि श्रम विभाग में 52% महिलाओं ने नौकरी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है। इस पर समाजवादी पार्टी ने व्यंग करते हुए कहा कि भाजपा ने ईंट भट्टों में मजदूर बनाने में और 52% औरतों को कुपोषित बनाने में बड़ा रोल अदा किया है। अमित जैमई क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है कि श्रम विभाग में 52% महिलाओं का भागीदारी बढ़ा। तो 52% कौन महिलाएं हैं? 52% वो महिलाएं हैं जो ईंट भट्टों में काम करती हैं, जो दिन में मजदूरी करती हैं, जो घरों में काम करती हैं। तो सवाल यह है कि जो वर्कफोर्स में उत्तर प्रदेश की सरकार में भी प्राइवेट सेक्टर में जो इम्बैलेंसेस है महिलाओं की भागीदारी का, वो तो पूरा नहीं हुआ। दूसरा यह है कि जो महिलाएं चाहे एनएम हो, आशा वर्कर हो, उनकी जो मांगे हैं आज तक योगी सरकार ने उसको फुलफिल नहीं किया। चाहे महिलाएं 52% देश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश की महिलाएं कुपोषित हैं, भुखमरी का शिकार हैं, तो सवाल यह है कि उनकी जिंदगियों में बेहतरी क्यों नहीं आई? महिलाओं के लिए आरक्षण का इस सरकार का, केंद्र की सरकार का वादा था कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलेगा। सबसे सरकार आई है 2014 से, चाहे स्मृति ईरानी साहिबा हों,
चाहे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हों, किसी ने महिला के हक में कोई बात नहीं बताई। तो बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्र की मौत पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं, घटना पर दुख व्यक्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। जिलाधिकारी और एसएसपी को पूरी जांच करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद दिए। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में अधिकारी रिपोर्ट दें। तो बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो छात्र की मौत हुई है उसको लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ दुखी नहीं व्यक्त किया बल्कि अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश भी दिए हैं। फिल्मी सितारों की रामलीला का आगाज 25 सितंबर से होने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन लक्ष्मण किला रामलीला मैदान पर विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। यहां भूमि पूजन अयोध्या की रामलीला के अध्यक्ष सुभाष मलिक, बॉबी लक्ष्मण, किला के महंत मैथिली रमण शरण महाराज और बीजेपी के नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और भगवान राम का पात्र निभाने वाले कलाकार की ओर से संपन्न हुआ है। दरअसल 25 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक रामनगरी अयोध्या में फिल्मी सितारों से सजी रामलीला का आगाज हो रहा है। और माननीय विधायक जी, हमारे महाराज लक्ष्मण किलाधीश और राम की भूमिका निभा रहे, राम राहुल गुच्चर, दीक्षा रैना माता सीता की भूमिका निभा रही हैं और गणमान्य व्यक्ति हमारे मौजूद थे। अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इस बार परशुराम की भूमिका मनोज तिवारी, केवट की भूमिका रवि किशन और गुही पेंटल जी जो मामा शकुनिया रोल निभाते थे। माननीय विधायक जी का, महाराज जी का, योगी जी का और डिप्टी सीएम उनका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में हमें इतना प्यार मिलता है कि हम बार बार हर बार यहीं पर आके लीला करने का हमारा मन करता है और लीला ही नहीं भूमि पूजन भी करके पूरा विधि पूर्वक हमें करने का सौजन्य महसूस होता है और हमें अच्छा लगता है ये चीज़ बार बार करना। और ये सिर्फ और सिर्फ प्रशासन के पर प्यार की वजह से और उनके सपोर्ट की वजह से पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। आपके साथ आ रहे हैं इस बार और उम्मीद है कि 22 तक ये आंकड़ा पहुंच जाएगा और दो महीने की बात, एक महीने की बात। दूसरी तरफ गाजियाबाद पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप पार्टी को सोचना चाहिए कि आपके कितने मंत्री जेल में हैं। कई मंत्री पर आरोप लगे हुए हैं। विपक्ष का आरोप हमेशा ही सत्तारूढ़ पार्टी पर क्यों लगता है? हमारी कोशिश है हर घर नल से जल पहुंचा दे, शुद्ध जल पहुंचा दे और देश में 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का एक विशेष अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जल जीवन योजना के अंतर्गत, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किया गया है, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मथुरा में बंदरों का इतना ज्यादा आतंक है कि स्थानीय लोगों के साथ साथ श्रद्धालुओं को भी उसका शिकार होना पड़ जाता है। मगर आज एक ऐसी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है कि जब मथुरा के डीएम नवनीत चहल वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पर निरीक्षण करने पहुंचे तब बड़ी संख्या में पुलिस भी मौजूद थी। मगर जब डीएम साहब जैसे ही मंदिर के पास पहुंचे तो अचानक से एक बंदर उनके चश्मे को लेकर रफू चक्कर हो गया, जिसके बाद जब डीएम साहब को अपना चश्मा गायब दिखा वहां तैनात पुलिसकर्मी लगातार उसे छुड़ाने के लिए भागते दौड़ते नजर आए, जबकि काफी देर तक बंदर ने चश्मा वापस ही नहीं किया। तो फिर स्थानीय लोगों के साथ मंदिर के गोस्वामी और पुलिसकर्मियों ने बड़ी मुश्किल से बंदर के चुंगल से डीएम साहब के चश्मे को वापस करवाया है। तब कहीं जाकर डीएम साहब का चश्मा फिर से उनके हाथों में सौंप दिया गया। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिहाज से प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का मौका दिया जा रहा है। आपको बता दें राजधानी देहरादून में 20वें उत्तराखंड राज्य सीनियर बैडमिंटन प्रतियोगिता 2022 का समापन हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने प्रतिभाग किया। इस दौरान प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखंड के खिलाड़ी प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा सरकार की तरफ से खिलाड़ियों को
हर तरह की संभव सुविधा देने की हमारी कोशिश है। देखिए आज जो है 20वां उत्तराखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का आज समापन है। मैं समझती हूँ कि इस समापन के अवसर पर मुझे आने का यहाँ पर मौका मिला है और निश्चित रूप से जो हमारे सीनियर्स हैं, निश्चित रूप से जो अंडर 18 हैं, उन सब बच्चों की आज प्रतियोगिताएँ लगभग फाइनल की ओर पहुँची हैं और कई लोगों को प्राइज़ भी यहाँ पर आज मिले हैं। मैं समझती हूँ कि एसोसिएशन का ये एक अच्छा और सुखद प्रयास है, इससे कई मौके भी मिलते हैं, अवसर भी मिलते हैं और निश्चित रूप से बच्चों की प्रतिभा को निखार भी मिलता है। हरिद्वार के थाना पथरी क्षेत्र धनपुरा में मामूली कहासुनी को लेकर के दो पक्षों में आपसी विवाद हुआ, भिड़ंत हुई। एक पक्ष दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों से मारपीट करने पर भी उतारू हो गया, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मामले को शांत करवाया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। उत्तराखंड में डेंगू की दस्तक के साथ ही स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि राजधानी देहरादून के दून चिकित्सालय में अभी तक डेंगू का कोई भी मरीज सामने नहीं आया है। वहीं दून मेडिकल कॉलेज में डेंगू को लेकर तैयारियां पुख्ता हैं। चिकित्सालय के CMS डॉक्टर KC पंत ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेंगू को लेकर अलर्ट जारी हुआ है, जिसको देखते हुए दून चिकित्सालय में डेंगू के मरीजों के लिए 20 बेड का अलग वार्ड बनाया गया है। उन्होंने कहा, दून मेडिकल कॉलेज की तरफ से डेंगू को लेकर सभी जरूरी एहतियात हम बरत रहे हैं, साथ ही समुचित मात्रा में दवाइयां और संसाधन भी उपलब्ध हैं। सेवा चयन आयोग पेपर लीक भर्ती मामले में अभी तक एसटीएफ ने 21 लोगों की गिरफ्तारियां कर ली हैं, लेकिन अभी भी एसटीएफ के हाथ पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच सके हैं। इसको लेकर अब कांग्रेस ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं कि जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराने की मांग की जा रही है। तो वहीं उन्होंने 2016 के प्रकरण पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि इस पूरे मामले की भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि अभी तक भर्ती प्रक्रिया के इस पूरे मामले में एसटीएफ ने 21 लोगों को गिरफ्तार किया है, पर अभी भी लगातार एसटीएफ जांच भी कर रही है और मास्टरमाइंड से दूर भी है। हम चाहते हैं कि इसमें हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच हो, ताकि किसी सरकार का कोई दबाव ना हो और कोई ऐसी एजेंसी ना आ जाए जिस पर सरकारी नियंत्रण दूसरे तरीके हो। जज के द्वारा अगर किसी सिटिंग जज से अगर ये जाँच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। और हम चाहते हैं कि जो 2016 में भी एक प्रकरण उठ रहा था, जब हमारे जो चयन आयोग था उसके दो मेंबर्स ने इस्तीफा दिया था अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कि भर्ती में घोटाला हुआ है, और उसमें तात्कालिक संसदीय कार्य मंत्री प्रकाश पंत जी ने हाउस में ये कहा था कि हम मानते हैं, सरकार मानती है कि कॉपीज के साथ टैम्परिंग भी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन दुर्भाग्य से 2017 से आज तक वो उनकी मृत्यु के बाद उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।